मेरी हर सांस में तुम हो, हर एक एहसास में तुम हो, मेरी हर नब्ज की धक धक की हर आवाज में तुम हो। मैं अपनी धुन में रहता हूँ, शिकायत लोग करते हैं, मेरी हर धुन में रहती हो, मेरे हर साज में तुम हो। हम तुम कितने पास कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास कितने दूर है। कैसा लग रहा है आपको? फीलिंग वाओ। सच पूछो तो मन को झूठे लगते कैसे लगते हैं, कैसे लगते हैं, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती ये नदियाँ ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। बहुत मतलब केयर और अंडरस्टैंडिंग दो चीजें जो है, मतलब वही जो संगीत में बोला था कि केमिस्ट्री के, मतलब पांजलि ने इशारा किया और अमित आ गया वहाँ पे, बस वही वाला है ना, एक बार बोलना पड़ता है बस ऐसा, इसीलिए शादी कर रही है। तुम इन सब को छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। अमित मुझे फर्स्ट ईयर से जानते थे है ना, तो वो लाइक करते थे उसी टाइम से, लेकिन फिर फोर्थ ईयर में दीक्षा ने मुझे मिलवाया उनसे, तो मुझे नहीं पता था कि ही ऑलवेज लाइक्स मी फ्रॉम फर्स्ट ईयर है ना, तो उसके बाद दीक्षा ने मतलब मुझे हिंट कर दी कि ये लाइक करता है। हम लोग की मीटिंग्स हुई दो चार बार, हुआ मिले तो मुझे भी पसंद आए। उसके बाद थोड़ा सा इनके घर में रिस्ट्रिक्शंस थे कि शादी शायद नहीं हो सकती, उन लोग का कुछ प्रॉब्लम है घर में कास्ट सिस्टम, लेकिन उसने घर में बात की एंड की करना है तो इसी से करना है। अच्छी लगती थी मतलब, फिर मैं सोचा कि यार मतलब इसको कुछ देखे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, लड़कियाँ तो मतलब तब तब इतना नहीं समझते हैं ना, लड़के कहाँ समझते हैं। तो मैं इसके लिए कुछ ऐसा एक मतलब मेरे पास लकड़ी के कुछ पड़े थे मतलब क्यूट है, तो उस पर मैं प्रांजलि करके लिखा बनाया, मतलब उसको बनाया लकड़ी पे थोड़ा एनग्रेव किया, और नेक्स्ट डे शायद संडे था, मतलब कॉलेज बंद रहता है ठीक है, तो मैं वहाँ जाके इसके क्लास में रख के आ गया, मतलब मैसेज किया एक फर्जी आईडी से ठीक है, कि हेलो प्रांजलि ऐसा करके कि अब मैं तुम्हारे लिए कुछ क्लास में रखा था, क्या तुमको मिला क्या, ये मेरे मैडम रिप्लाई नहीं कर रहे। क्या जाने क्या
जागे इश्क वाले मन मर्जियां जिद की